दोस्तों ये पूरा कपड़े का शोरूम कंप्लीट हो गया है, आपको इसकी जानकारी पूरी मिलेगी और इसका एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे कपड़ा रखने के बाद कैसा लगता है। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा फर्नीचर वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, इसका साइज भी बताएंगे आपको, इसका खर्चा कितना आया वो भी बताएंगे। ये ग्लास दरवाजा आगे ग्लास वाटर से लिया, शटर के बाहर लिया इसका पूरा। और ये टोटल खर्चा, लंबाई चौड़ाई, क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ की हमने, वो सब आपको जानकारी देंगे। ये काउंटर है, कैश काउंटर, कैश काउंटर का लुक आपको बताता हूँ यहाँ से पूरी सही। ये पूरा लेबिनेट लगा हुआ है, काउंटर के लिए अपने बराबर आपको पूरा पूरा व्यू देखने को मिलेगा। इसमें लाइटिंग की वजह से थोड़ा अलग आपको इफेक्ट मिल रहा है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो में थोड़ा तकलीफ आ रहा है। लाइट बंद करके देखा थोड़ी कम, बस बस अब वीडियो सही आएगा। लाइट क्या ज़्यादा ही हाईलाइट थी इसलिए आप देखिए पूरा लुक। ये काउंटर है और ये इसका केस काउंटर, यहाँ से इसका ये चालू होता है एरिया। यहाँ पे एसी लगी हुई है, ट्रायल रूम हमने कोने में एकदम ट्रायल रूम बनाया है, ये आप देख सकते हो। इसका दरवाज़ा वापस बंद करते हैं, यहाँ पर एसी आएगी। काउंटर के अंदर ये जगह देखिए आप, एकदम कंफर्टेबल आदमी पूरा खड़ा रह सकता है, पूरा नज़ारा। ये कैश काउंटर, कैश काउंटर में ऊपर लिखने के लिए ये पाटिया बनाया, इसके नीचे है कंप्यूटर कीबोर्ड के लिए बनाया और उसके नीचे दो ड्रॉवर। और सामने ही जो यहाँ पे टीवी लगेगी कैमरे वाली, देख सकते हैं पूरा। अब इसकी साइज है आपको बताता हूँ, 10 फीट बाई 19 फीट। इसकी साइज 10 फीट बाई 19 फीट है। पूरा सीलिंग में एसीपी कवर किया है, लाइटिंग टोटल लाइटिंग लगा हुआ है, एसीपी वाइट ग्लोसी है और ये सनमाई का लगा हुआ यूरो कंपनी का वाइट टेक्सचर है, हल्का टेक्सचर इसके अंदर। और ये वुडन सनमाई का यूरो कंपनी का है, नेचुरल वुडन जैसा दिखता है। यहाँ पे मंदिर आ रहा है, कंप्लीट है फर्नीचर, अब इसमें माल रखने की तैयारी है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसकी साइज है 10 फीट बाई 19 फीट। इसका खर्चा आया 4.5 लाख रुपये, क्योंकि बाहर का भी एलिवेशन है, बोर्ड है, इसमें सब चीज़ महंगी यूज की हुई है, इसलिए लाइटिंग टोटल खर्चा, लाइट, एसीपी फिटिंग, लेबर, ग्लास सब मिला के 4.5 लाख रुपये का इसमें खर्चा आया है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। जय हिंद, जय श्री राम।